माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी एक आपसे विशेष अपील और निवेदन है। जब मुझे सेंट्रल जेल में डाला गया तो मुझे वहां के जेल प्रहरी मिले और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और मैंने उनके हालात भी देखे। 8 घंटे वो बिना मोबाइल अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करते हैं और एक जेल प्रहरी कम से कम 150-200 लोगों की निगरानी करता है। बरसात आए तो छत्ते के नीचे धूप में और इसके अलावा सर्दी में वो पूरी रात भर बैठे हुए निगरानी करते हैं। उनकी पेग्रेड 1800 है। वो मांग करे कि हमारी पेग्रेड 2400 कम से कम 2400 पेग्रेड की जाए। हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल के लिए आपने रोडवेज पास बनाए, वो मांग करे कि रोडवेज पास हमारे भी बनाए जाए। आप 200 नहीं 500 रुपए हमसे ले लीजिए, लेकिन रोडवेज पास उनका भी होना चाहिए। मैंने ये हालात भी देखे हैं कि किस प्रकार वो परिवार से दूर रहकर एक तरह से वो भी कैदी बनकर 8 घंटे तक वहां रहते अंदर रहते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मैंने पीड़ा देखी है, उनके हालात देखे हैं, वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में उनका पेग्रेड 2400 किया जाए, साथ में रोडवेज पास भी बनाया जाए और अन्य मांगे भी पूरी की जाए। बताया जा रहा है 1998 का उनका लिखित समझौता भी है, पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था, समझौता हुआ था, लेकिन आज तक वो समझौता पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और मुझे कहा आप हमारी आवाज जरूर उठाना, तो मैं उनकी पीड़ा आप तक पहुंचा रहा हूं। जो बजट आने वाला है तो इनको सौगात जरूर दीजिए, इनका पेग्रेड बढ़ाइए, रोडवेज पास बनाइए और अन्य मांगे पूरी करिए। ये आपको दुआ देंगे, ये केवल प्रदेश में 3500 ये कर्मचारी है, इनकी 3500 परिवार आपको दुआ देंगे। ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा, आपने ओल्ड पेंशन का आपने फैसला लिया तो ये फैसला भी आपको करना चाहिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी पेग्रेड 3600 करना चाहिए, लेकिन इनका कम से कम अब पुलिस के सम्मान इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 8 घंटे बिना मोबाइल और उन कैदियों के बीच में रहते हैं। कई बार कई कैदी इनको कहते हैं कि आपको बाहर देख लेंगे, जब अनुशासन बनाने के लिए ये सख्ती करते हैं तो उनको धमकी देते हैं, कई घटनाएं भी घटित हुई है। इसके अलावा कई खुखार कैदी जो हैं, वहां 60 लोग एक बैरक में एक बाड़े बंद है, वहां केवल 2 जेल परिवारों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि वो उनको फांसी की सजा हो चुकी है, फांसी से बड़ी कोई सजा उनको होगी नहीं, वो उनको धमकी देते हैं, तो खतरे से वो खतरे में रहते हैं और बाहर उनको परिवार को उनको धमकी देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, जो जेल परिवार लगे हैं 3500 हैं, उनका पेग्रेड भी उठाइए और उनका रोडवेज पास भी बनाइए। धन्यवाद।